हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज दो और इंपॉर्टेंट टैग्स को हम डिस्कस करेंगे, विच इज एन एचटीएमएल टैग, ऑडियो एंड वीडियो टैग। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप कोई म्यूजिकल साइट बना रहे हैं जहां पर अगर आपको कुछ ऑडियो डिस्प्ले करना है या कोई वीडियो डिस्प्ले करना है, ओके, MP3 फाइल अगर आपको प्ले करनी है, सो लेट्स सी किस तरीके से हम ऑडियो वीडियो टैग्स को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मैंने एक बेसिक टैग मतलब के साथ एक पेज ओपन किया है और यहां पर इसको हाइपर एग्जांपल की जगह में लिख देता हूं, ऑडियो वीडियो, ठीक है, या व्हाटएवर यू कैन वांट, ऑडियो वीडियो डन, ओके। तो यहां पर आप देखिए, आई एम हैविंग सम म्यूजिक फाइल्स एंड MP4 फाइल। तो यदि मैं चाहता हूं कि मुझे उसको यहां पर प्ले करना है, तो यहां पर हमारे पास एक टैग है विच इज कॉल्ड ऑडियो टैग। तो ये जो ऑडियो टैग है, इस ऑडियो टैग में यू हैव टू यूज सम सब टैग। द ऑडियो टैग की प्रॉपर्टी में नहीं जाना है मुझे, हियर आई एम गोइंग टू यूज द सब टैग इनसाइड दिस ऑडियो टैग, और वो जो टैग है दैट इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स में आपको ये बताना है कि आपको कौन सी फाइल यहां पर प्ले करनी है, ठीक है, मतलब हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। सोर्स में आपको ये बताना है कि आपकी फाइल कौन सी है। तो यहां पर आप देखिए, मेरे पास सपोज ये एक फाइल है जो रखी हुई है ई ड्राइव में, आई ड्राइव म्यूजिक में, ओके, लेट्स सी, मैं इसको पेस्ट करता हूं, /music/, और ये मेरी फाइल का नाम है। सपोज मैं इसको ले लेता हूं यहां पे एज इट इज, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहां पर आप देखिए, व्हेन आई रन दिस पेज, तो मुझे एक मतलब ये द टैग नेम इज व्हाट, इट इज ऑडियो टैग। और यहां पर आप टाइप में बता सकते हैं कि टाइप में आपको क्या लेना है, तो मैंने बोल दिया ऑडियो, ठीक है, दिस इज व्हाट ऑडियो, ओके, एंड ओके ऑडियो फाइल, तो क्या हमारी फाइल जो है वो ऑडियो फाइल है। तो लेट्स सी, मैं अगर इसको रन करता हूं डिफॉल्ट ब्राउजर में, तो यहां पर मुझे जस्ट मोमेंट, टाइप में हमें यहां पे बताना है दिस इज व्हाट ऑडियो एंड MPG, ठीक है, ये टाइप आपको स्पेसिफाइड करना है, ऑडियो एंड MPG, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो MPG फाइल है, दैट्स व्हाई। तो ये मैंने टाइप में बता दिया, ओके, तो दिस इज व्हाट देन ऑडियो टैग, ध्यान से समझना इसको, ठीक, कि टैग इज व्हाट ऑडियो, दिस ऑडियो टैग इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एन ऑडियो इनटू द पेज। तो ओके, जस्ट चेक इट आउट, मैं इसको, अच्छा ऑडियो कंट्रोल, एक्चुअली द टैग इज ऑडियो कंट्रोल, वी हैव टू यूज ऑडियो कंट्रोल हियर, एंड लेट्स जस्ट कॉपी दिस ऑडियो कंट्रोल टैग, ठीक है। तो ये जो ऑडियो कंट्रोल है, अब आप देखिए, यहां पर मैं लोकेशन चेंज कर देता हूं, मेरे को जो फाइल ओपन करनी है, दिस इज व्हाट /music हमने बता दिया, ठीक है, एंड द फाइल नेम इज दिस वन, ये फाइल, ओके। तो ये मैंने एक बार फिर से कॉपी कर लिया, आई थिंक शायद कुछ कॉपी करना इसलिए बेटर होता है ताकि कहीं आप गलती से कोई नाम चेंज कर देंगे, तो आप देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूं, सो दैट आई विल गेट दिस वन, और अगर मैं इसको प्ले करता हूं, सो आई गॉट दिस सॉन्ग इन माय, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट द सॉन्ग वी हैव, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एन ऑडियो टैग इन HTML, कि अगर आप HTML में ऑडियो टैग को यूज कर रहे हैं, सी दिस, ठीक है। तो ये जो ऑडियो टैग है, दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज फॉर, और सिमिलरली जैसे ये ऑडियो टैग है, अगर मान लो मुझे कोई वीडियो लेके आना है, सपोज वी हैव एन वीडियो, राइट, तो यहां पर देयर इज अ टैग कॉल्ड ऑडियो, जैसा ही हमारा टैग है वीडियो कंट्रोल, ठीक है, वीडियो, ठीक, एंड दिस इज व्हाट वीडियो कंट्रोल, ठीक। तो इस वीडियो कंट्रोल में भी आपको सोर्स बताना है, ठीक है, वीडियो कंट्रोल के साथ भी आपको सेम यही बताना है सोर्स। लेट्स सी, ये देखिए आप, ये वीडियो कंट्रोल, केवल मैं लोकेशन चेंज कर देता हूं यहां पे, अब अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे वीडियो कंट्रोल पे मतलब आई नीड टू डिस्प्ले द फाइल, राइट, तो फाइल में यहां से लेके आता हूं मैं, सो टाइप में आपको बताना है यहां पे वीडियो इन OGG फाइल अगर आपके कोई है तो, ओके। सो यहां पर आप देखिए, मैं सोर्स में जाके एंड आई जस्ट चेंज दिस लोकेशन वीडियोस फॉर OpenCV की कुछ इमेजेस है, ये वाली इमेज ले लेता हूं, dog4. लेट्स सी, लोकेशन हमने बता दी यहां पे, और अगर आप इसको सेम फोल्डर में कॉपी करेंगे, so there is no need to provide this complete path, okay, मतलब अगर आपका current folder है तो आपको path पूरा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको copy कर लिया, this is dog
4.mp4, right? And let's see, when I run this, ये मेरा video control and this is what my, ये देखिए. Okay, so ये music है, जो कि हमने audio control से लेके आए हैं, ठीक है? And this is what video, जो कि हम यहाँ पर लेके आए. तो this options is basically used in HTML जब भी आप कोई ऐसी application create कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई audio video को लेके application बना रहे हैं, so that आप music लेके आ सकते हैं. मैं थोड़ा सा sound को कम कर देता हूँ, ठीक है? तो ये music आपका चलेगा background में और ये आपका video है. तो there are the simple tag called audio tag and video tag which is basically used for displaying audio and video in your HTML page. तो जब भी आपको HTML page पे कोई audio या video लेके आना है, so these are the simple tag. Option आप देख लीजिए. Tag is audio control properties. Okay. And then here we need to specify the source. कि आपको source क्या है? कहाँ से आपको file लेके आनी है? And similarly video control. तो I hope छोटा सा लेकिन important और interesting concept समझ में आया है कि किस तरीके से हम audio video files को run कर सकते हैं HTML page पे. Right? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टैग्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. एक बार आप कोड देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कोड है, राइट? हाउ टू डिस्प्ले ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.